बड़ा तुर्रम खा बन रहा है। ज्यादा तुर्रम खा मत बनो, खुद को तुर्रम खा समझ रहा है। इस तरह के डायलॉग आपने अक्सर सुने होंगे। जब कोई हीरो या रंगबाज बनता है तो उसे तुर्रम खा बोल दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिसके नाम पर इतने डायलॉग बने हैं वो असल में कौन था? असली तुर्रम खा कौन था? आज हम आपको असली तुर्रम खा के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि उनके नाम पर इतने मुहावरे और डायलॉग क्यों बने। स्वागत है आपका कथा संगम में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए और आप भी बन सकते हैं तुर्रम खान। तुर्रम खान का असली नाम तुर्रेबाज खान था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्रम खान कोई मामूली शख्स नहीं थे, बल्कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के जाबाज हीरो भी रहे हैं ये। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जिस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, हैदराबाद में उसका नेतृत्व तुर्रम खान ने ही किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी मंगल पांडे ने बैरकपुर में फूकी थी। यह चिंगारी जल्दी ही दानापुर, आरा, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, दिल्ली होते हुए पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। इसी क्रम में हैदराबाद में अंग्रेजों के एक जमादार चीदा खान ने सिपाहियों के साथ दिल्ली कूच करने से मना कर दिया। उसे निजाम के मंत्री ने धोखे से कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया, जिन्होंने उसे रेसिडेंसी हाउस में कैद कर लिया। उसी को छुड़ाने के लिए जाबाज तुर्रम खां अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। 17 जुलाई 1857 की रात को तुर्रम खान ने 500 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रेसिडेंसी हाउस पर हमला कर दिया। तुर्रम खान ने रात को हमला इसलिए किया क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि रात के अचानक हमले से अंग्रेज हैरान रह जाएंगे और उन्हें फतेह हासिल होगी। लेकिन उनकी इस उम्मीद और योजना को एक गद्दार ने फेल कर दिया। दरअसल निजाम के वजीर सालार जंग ने गद्दारी करते हुए अंग्रेजों को यह पहले ही सूचना दे दी थी कि तुर्रम खां वहां हमला करने वाला है। अब अंग्रेज पूरी तरह से तुर्रम खां के हमले के लिए तैयार थे। तोप, गोले और हजारों सिपाही बंदूक भरकर तुर्रम खां और उनके साथियों का इंतजार ही कर रहे थे। अंग्रेजों के पास बंदूकें और तोपें थी, जबकि तुर्रम खां और उनके साथियों के पास थी केवल तलवारें। इसके बावजूद तुर्रम खां ने हार नहीं मानी। तुर्रम खां और उनके साथी अंग्रेजों पर टूट पड़े। तुर्रम खां और उनके साथियों की तलवारें, तोप और बंदूकों पर भारी पड़ने लगी, लेकिन अंग्रेज संख्या बल और हथियारों में ज्यादा थे। तुर्रम खां और उनके साथी पूरी रात अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। अंग्रेजों की भरपूर कोशिश के बाद भी वे तुर्रम खां को नहीं पकड़ पाए। उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्रम खां के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम रख दिया। कुछ दिनों के बाद एक गद्दार तालुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तूपरन के जंगलों में धोखे से तुर्रम खां को मार दिया। तुर्रम खां की बहादुरी के चलते आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनके नाम के मुहावरे और डायलॉग अक्सर बोलते हैं। तो अब अगर आपको कोई कहे कि खुद को तुर्रम खां समझते हो क्या, तो आप खुश हो जाइए, आपकी तुलना महान तुर्रम खान के साथ की जा रही है। ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिए कथा संगम को। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स में बताइए हमें आपके विचार। कथा संगम को फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए तुर्रम खान।